बड़ी खबर मुंबई से सटे ठाणे से आ रही है, जहां पर लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। कल हादसे के दौरान 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 मजदूरों को नाजुक हालात में अस्पताल ले जाया गया था। इन 2 मजदूरों में एक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में रुनवाल नाम की एक बहुमंजिला इमारत में ये हादसा पेश आया, जहां वाटर प्रूफिंग का काम कर नीचे उतरे मजदूरों की लिफ्ट गिर गई और इसमें 7 मजदूरों की जान चली गई। इस पे और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमजद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ जानकारी आपके पास मौजूद है? देखिए, जिस तरीके से मजदूरों की यहां पर मौत हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है। आखिर किसकी लापरवाही कही जाए? अरे साफ तौर पर बता दूं कि मुंबई और मुंबई के सटे जो मुंबई से सटा जो थाना इलाका है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है काफी ज्यादा तेजी से होता है। काफी ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो लगातार जारी है। हालांकि जो बीएमसी है, जो बीएमसी के अधिकारी है, वो जो है सर्वे करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बराबर ठीक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, और तमाम चीजों की सर्वे रिपोर्ट जो है वो बीएमसी में जमा होती है। लेकिन बिशा मैं साफ तौर पर बता दूं, ये लिफ्ट जो है, मतलब बिल्डिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जो वाटर प्रूफिंग का जो काम था वो चल रहा था। अगर बात कर ले तो जब लिफ्ट जो है वो ट्रायल के लिए चलती है, और मजदूर जो है उस टाइम पे जब नीचे उतर रहे थे तो लिफ्ट जो है वो गिरती है, जिसके अंदर 5 मजदूर जो है मौके पे ही जिनका इंतकाल हो जाता है और 2 मजदूरों की मौत की खबर अभी सुबह में भी आई। तो टोटल जो 7 मजदूर थे उनका कहीं ना कहीं जो है वो नीचे इंतकाल हो गया। अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं शोक दिखाया। अमजद, मजदूरों को रखने से पहले क्या उनका इंश्योरेंस करवाया गया था? क्योंकि देखिए, यहाँ पर 7 लोगों की जान गई है, उसका मुआवजा कौन देगा? जी ऋषा, अगर बात कर ले, अगर इंश्योरेंस की बात कर ले या तमाम चीजों की बात कर ले ऋषा, तो जो नॉर्म्स होते हैं ऋषा वो यहाँ पर कंप्लाइन नहीं की जाते, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें होती है अगर वो तमाम मजदूरों के लिए चीजें कंप्लाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बिल्डर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अभी तो ये देखने वाली बात होगी कि वो मजदूरों का जो है इंश्योरेंस था कि नहीं था, और तमाम चीजें की भी आने वाले जांच का विषय होगा। लेकिन ये हादसा जो है मुंबई के आसपास हम देखते हैं, जो बिल्डिंग की जब जो बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर ऐसे मजदूरों की मौत की खबर जो है वो लगातार सामने आती है। इसके पहले भी आप देखा जानते हो कि बोरीवली में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके अंदर मजदूर जो थे वो कहीं ना कहीं उनका इंतकाल हो गया था। तो तमाम चीजों को लेके जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सोता हुआ नजर आता है ऋषा। बिल्कुल, प्रशासन तो सोता हुआ नजर आता ही है। अमजद, जानना चाहेंगे क्या लिफ्ट में मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ था? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हादसा पेश आया लग रहा है कि बड़ी लापरवाही, अगर मेंटेनेंस का काम हुआ होता, क्या ये लोग ओवरलोड इस लिफ्ट में हो गए थे? क्या आखिर क्या चीजें सामने आ रही है निकल कर हादसे के पीछे? देखिए, अभी तक शुरुआती जो जांच है उसके अंदर तो कोई चीज निकल के सामने आई नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है, थाने जो पुलिस है वहां पर मौके पे इंस्पेक्शन जो कर रही थी, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, बीएमसी के अधिकारी है, तमाम चीजें देख रहे हैं। अगर बात कर ले मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं बिल्डर के ऊपर होता है, और अगर तमाम चीजें का नॉर्म जो है वो पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं जो ऐसे हादसे है वो लगातार बढ़ते हैं ऋषा। और अगर बात बिल्कुल अमजद, देखिए, जब भी इस तरीके का हादसा पेश आता है तो सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है, बिल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरों को रखने से पहले, अपनी लेबर को रखने से पहले उनका इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि नॉर्म्स यही कहते हैं कि जब भी आप किसी को रखें तो उसको पहले आप इंश्योरेंस से उसकी जान की हिफाजत हो सके, उन सभी चीजों का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने का।